Hi friends, this is Rakesh Yadav. Today we are cooking in our kitchen is Italian salad. First we will see the ingredient, then I'll show you the process. There have only two process, one is for dressing, one is for all the vegetables. Let's start with this first. This is lettuce. You can use Roman lettuce, you can use curly lettuce, you can use any kind of lettuce. So this is green leafy lettuce. Cucumber. You can use any kind of desi cucumber, yellow capsicum, red capsicum, cherry tomatoes, onions, parsley, olive, lemon juice, olive oil, extra virgin, black pepper curse, mustard and oregano. This is bread, croutons, garlic chop, and this is last and finally salt. So we'll start with first croutons, because first we will make croutons and we will start next. Let's start marination of croutons. Okay, put little bit oregano in this, little black pepper. You can put little bit olive oil with chopped garlic. So I mix together, you can see, and now it's ready. Just mix with nicely softed hand. A pinch of salt. That's it. See, this is ready. Now we will roast in pan this one. So let's start. See the roasting. Let's. Okay, friends. See, now pan is ready. Now we'll that mix olive oil and everything. So हमने क्यों mix किया है आप देखेंगे. तो इसमें फ्लेवर, ये जो हमने क्रूटॉन्स बनाए इसमें फ्लेवर हो जाए. आप हल्का हल्का स्लो फ्लेम पे, वेरी स्लो फ्लेम पे आप इसको कुक करना है. इसको आपको थोड़ा सा क्रिस्पी करना है. आपको जब ही खाने में अच्छा लगेगा जब ही क्रिस्पी हो जाएगा. इफ यू फील देर हैव लेस ऑयल यू कैन एड लिटिल बिट मोर गार्लिक ऑयल. लाइक आपको ऑलिव ऑयल में हल्का सा गार्लिक डाल के थोड़ी देर रखना है और उसके बाद जो होगा उसे हम क्रूटॉन्स में यूज करेंगे. इसमें हमने देख लीजिए, जैसे ही आपका हल्का सा हो जाता है आपको थोड़ा सा क्रश ब्लैक पेपर डाल देना है एंड में. बस सी नाउ आप जब इसे खाएंगे आई होप यू विल एंजॉय. दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस. हमने ये हमने एक नई ब्रेड बनाई थी, तो ये उसके ये थोड़ा थोड़ा येलोइश है आपने देखा हो, तो आप नॉर्मल व्हाइट ब्रेड भी ले सकते हैं क्योंकि ये अच्छा लगता है देखने में. इसलिए हमने इसे अपने उसमें रखा है सैलेड के लिए कि थोड़ा डिफरेंट कलर हो जाएगा. तो हमने इसमें थोड़ा सा टर्मरिक डाला है. इस काइंड ऑफ मसाला ब्रेड, तो हमने इसमें थोड़ा टर्मरिक ये सब डाल के इसे ब्रेड को बनाया. पर आप व्हाइट ब्रेड को भी बना सकते हैं. अब इसने हमको हमने थोड़ा सा इसको हाई फ्लेम पे कर दिया है, तो ये एकदम गार्लिक एकदम गोल्डन ब्राउन हो गया है. और देखिए हमारे क्रूटॉन्स रेडी हैं, आप देख सकते हैं इसे. और ये देखिए कितने क्रंची हो गए हैं. सो अब हमें इसे बाउल में निकाल लेना है. आहा हा हा, मजा आ जाएगा इसे खा के. ये देखिए देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं. और ये थोड़ी देर में इतने क्रिस्पी हो जाएंगे जब आप देखेंगे इसे, तो आपको मजा ही आ जाएगा खाने में. टिल आप इसे ठंडा होने दें, जब तक ये ठंडा होता है हम इसकी फर्स्ट हम ड्रेसिंग बना लेंगे. और फर्स्ट हम वेजिटेबल्स कट कर लेते हैं. तो अब चलिए मैं आपको दिखाऊंगा कैसे वेजिटेबल कट करना है. ओके सी नाउ हम इसको लेटिस को कट कर लेंगे. जब तक आप देखिए मैं इसको बस क्यूब्स में डाल रहा हूँ. बहुत बड़े नहीं है, बहुत छोटे नहीं है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इतना छोटा होना है कि इंसान खा सके उसे आराम से. देखिए देखिए हमने ये बाउल में पूरा डाल लिया है और हमारा रेडी है. अब आपने कैप्सिकम कट कर लेनी है. ये थोड़ा सा आपने वाइट पार्ट हटा देना है. मैं एक इसके लिए बाउल ले लेता हूँ, इसमें हम रख रहेंगे जो भी वेस्ट है. और ये देखिए अच्छी तरह आपको शेप देना है इसे. आप इसे यूज कर सकते हैं या तो आप सूप में यूज
रेड कैप्सिकम को डाइस में करेंगे, काटेंगे। आपको देखिए मैंने इसका बीच का पार्ट हटा दिया है, अब हम इसे काट रहे हैं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपसे शेप साइज बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखने में इट्स इम्पोर्टेंट, सो हमें ध्यान रखना है। सेम वी विल डू विद येलो कैप्सिकम, तो सेम साइज, रिमूव द वाइट पार्ट। तो हम क्योंकि प्रेजेंटेशन के लिए जब हम कुछ चीज यूज करते हैं या कुछ स्पेशल बनाते हैं, तो उसका हमने साइज ये सब बहुत ध्यान देना होता है, मेन चीज ये चीज है। तो हम देखिए सारा सेम वे में, पर आप अपने लिए बनाएं तो आप इसे यूज कर सकते हैं, बट इफ यू नॉट मेकिंग फॉर योर ओन, तो प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो अब हम अनियंस को, आप अनियंस का बीच का पार्ट निकाल दें, क्योंकि वो बहुत छोटा होता है, तो हमें थोड़ा सा जो फुल ऑनियन रिंग टाइप का रहता है उसको हाफ काट के, आप देखिए हम स्लाइस मार रहे हैं इसको, और स्लाइस करके आपको उसमें अच्छा अच्छा स्लाइस, थिन स्लाइस, ये खाने में बहुत आसान हो तो हमें उतना करना है। अनियन बहुत ज्यादा यूज नहीं करेंगे हम, क्योंकि ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा फ्लेवर होता है इसमें, और थोड़ा स्पाइसी टाइप का होता है, तो इसलिए हम इसे थोड़ी सी यूज करेंगे। एक अनियन के भी बीच का पार्ट हटा देंगे, तो बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं इसे, और वो भी हमारा रेडी है अभी। और अब हम यूज करेंगे क्यूक्यूम्बर। क्यूक्यूम्बर आप देखेंगे देर हैव टू टाइप्स ऑफ क्यूक्यूम्बर, वन इज दिस हाइब्रिड एंड वन इज देसी क्यूक्यूम्बर। तो आप, मैंने हाइब्रिड लिया, आप देसी भी यूज कर सकते हैं, इसकी जूलियन आप निकाल लें, हाफ काटे और इसको स्लाइस मार लें। और ये आपका खुद की आपकी मर्जी है, आप इसको स्लाइस मारे, डाइस मारे, जो भी आपको पसंद है आप उसे उसी हिसाब से कर लीजिए। तो आपको काटना है अपने इसके हिसाब से, जो आपको पसंद हो शेप वो आपको करना है। बहुत सिंपल सी, देखिए कितना सिंपल सा दिख रहा है, और जब आप इसे खाएंगे इसे बहुत अच्छा लगेगा। चेरी टमाटो अब हम कर रहे हैं, तो चेरी टमाटो 1/2, और इसमें आप देखो दो टाइप के, मैंने नॉर्मली दो टाइप के देखे हैं, रेड एंड येलो, तो आपके पास जो भी अवेलेबल हो, और आप इससे नॉर्मल टमाटो भी ले सकते हैं, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि नहीं नहीं चेरी ही चाहिए, इट्स जस्ट कि मेरे पास इजीली वे अवेलेबल है मेरे गार्डन में, तो हमने इसे यूज किया है। तो आप ये चीज पसंद है तो यूज कीजिए, नहीं तो फ्रेश टमाटो, प्लम टमाटो यूज कीजिए, और आप देसी भी यूज कर सकते हैं, पर स्टिल हम सही, आप इसमें हम थोड़ा सा पार्सले डाल देते हैं, थोड़ा ग्रीन अलग टाइप का दिखेगा, ऑलिव डाल दिए हैं सॉरी, और पार्सले डाल दिए। अब दिस इज द सैलेड रेडी। अब हम इसके लिए, आप देख सकते हैं सिंपल वे में हमने पूरा बाउल, मतलब प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए हमने पूरा बाउल रेडी कर लिया है। अब हम इसे साइड में रखेंगे और हम इतने ड्रेसिंग बनाएंगे, लेट्स स्टार्ट नाउ ड्रेसिंग। तो आपको ऑलिव ऑयल डाल देना है इसके अंदर, सी एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल लिया है मैंने, और मेन जो इंग्रेडिएंट्स है आपको हल्का सा ब्लैक पेपर, लिटिल ऑरिगिनो, और अब हम इसे सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से अपना लेमन जूस अपने 3 से 4 स्पून, मींस ये लगा लीजिए 40-60 का रेशियो होता है, मस्टर्ड पेस्ट डाल दीजिए। आप इसे हमें वेस्ट से वेस्ट कर देना है, और आप देखिए ड्रेसिंग एकदम थिक हो जाएगी, एकदम यमी ड्रेसिंग बनती है इससे, आप देखेंगे तो। और जब ये सैलड के साथ मिक्स होगी तो आप इसका रियलिटी देख पाएंगे, जब ये कोट करती है सैलड के साथ जो मिक्स होती है, उसमें जो मजा है ना वो अलग ही है। अब हमने इसमें थोड़ा सा पार्सले डाल दी, क्योंकि पार्सले अगेन मेरे को पसंद है, और सैलड में एक अच्छा सा लाइक कलरफुल एंड स्पॉटी ग्रीन स्पॉटी, और टेस्ट कर लें अब हमसे। आप ये देख लीजिए कि सॉल्ट इनफ है, नहीं है, नहीं है तो ऐड कर लीजिए, और इनफ है तो इट्स फाइन मेरे लिए एकदम परफेक्ट, क्योंकि आपको ध्यान देना है सॉल्ट बहुत ज्यादा नहीं डालना है, क्योंकि मस्टर्ड भी थोड़ा सॉल्टी होता है। तो ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ, वील मिक्स हाउ मच वी रिक्वायर्ड, बिकॉज आई हैव लॉट, सो आई विल यूज इवनिंग डिनर, सो बेटर आई विल जस्ट शो यू हाउ टू मेक, दैट्स इट। सी हाउ ब्यूटिफुल इज दिस लिटल पार्सली,
little olives, little onions. See, this is the beauty of this. And now finally salad. Thoda sa salad. So now you can see we need to mix nicely. Oh wow, it's amazing. Remove this. It's okay. So no problem. We'll just mix nicely. See how beautiful is this. So now we will plating this one. मजा आ गया. This is so nice. Now let's see. Plating करेंगे हम लोग. आगे रखो इसको, प्लेट रखो, बीच में रखो. ठीक है, बताना. बोल. सी कितना जबरदस्त दिख रहा है, यम्मी एकदम. ओए होए, मजा आ जाएगा इसको खा के जब हम अपने गेस्ट को इसको सर्व करेंगे. This is Italian, it's look Italian. How beautiful is this? So remove this nicely. See, dressing you can look. So beautiful, believe me. Now we need to add little capers. See, capers make salad more valuable, more tasty. So you can put like this. Now this is the best part of salad. You need to put some nicely crisp. And that's it. See, you can enjoy this crunchy breads, croutons, and this is the main thing. I hope I'll put more because I love so much. And now finally you can put a little bit of olives on top and product is ready. See how beautiful is this. Now you can do one thing. You can put some cherry tomatoes and this some on top. मजा आ जाएगा इसको देख के और इसको खाने में. So now salad ready. You can have it nice with your family, your members. Hi, this is Italian salad. It's beautiful made by heart. And I hope you see how beautiful is this. You will enjoy 100%. Friends, आप इसे try करें और अपनी family को खिलाएं, अपने friends को खिलाएं. And let me know how is the taste and how it look like. Thank you. Woohoo! And beautiful. Now let's go. Time to go.